हाँ बताएं, बहुत दिन से आप लोग आंदोलनरत हैं, जो आपकी मांगे हैं वो क्या हैं, पदोन्नति के विषय में हैं? सर अभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है पदोन्नति में आरक्षण जो है विभिन्न विभागों में लगातार पदोन्नति दे रहे हैं, जबकि यह कोर्ट में विचाराधीन है। अभी 15 फरवरी को पुनः इस पर सुनवाई होना है और हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी सामाजिक संगठन अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा सचिव जी और शिक्षा मंत्री जी से और विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुखों से हम लोग निवेदन किए कि जब तक हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक पदोन्नति बंद रखा जाए। अगर पदोन्नति दिया जा रहा है तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को रोस्टर के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। अभी शिक्षा विभाग में 40,000 पदों पर आनन फानन में जो 5 साल पदोन्नति के नियम है उसको शिथिल करते हुए 3 साल में पदोन्नति देने का डिसीजन लिया गया है और उसमें 31 तारीख तक जब तक दावा आपत्ति भी ठीक से नहीं आ पाएंगे। अभी दावा आपत्ति जारी किया हुआ है जिसमें अनेकों मृत शिक्षा कर्मी साथी हैं, उनका नाम उसमें दावा आपत्ति में उस सूची में लिया गया है। इस तरीके से दोषपूर्ण ढंग से अभी पदोन्नति करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में जो रोस्टर प्रणाली है उनको लागू न करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में पिछले विधानसभा के समय में अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन जो है पिंगुआ कमेटी के रिपोर्ट को लेकर एक वृहद आंदोलन जो है बूढ़ा तालाब में किए थे, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ से कोने कोने से लोग आए हुए थे। सरकार पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को तो लागू कर दिए हैं, मंत्रिमंडल में डिसीजन भी हो चुका है, उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो जब मंत्रिमंडल निर्णय ले चुके हैं कि पदोन्नति में आरक्षण लागू रहेगा जारी रहेगा, इस स्थिति में जी और समस्त विभाग प्रमुखों से निवेदन कर रहे हैं कि पदोन्नति बंद किया जाए। जब तक कि हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक पदोन्नति में रोक लगाया जाए, या पदोन्नति किया भी जा रहा है तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो पद है उनको रिक्त मानकर पदोन्नति किया जाए। इस तरीके से हम सरकार से लगातार निवेदन कर रहे हैं और उसी मुद्दा को लेकर के यहाँ पर आज अंबेडकर चौक से लेकर के सीएम हाउस तक और शिक्षा मंत्री निवास तक आज मानव श्रृंखला बना करके हमारे बहने कर्मचारी अधिकारी और सामाजिक संगठन के पदाधिकारी आज इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। अगर सरकार आज पदोन्नति को वापस नहीं लेती या कोर्ट के निर्णय तक स्थगित नहीं करते हैं तो पूरे जो है जिला वाइज जो है सामाजिक संगठनों के साथ बैठ करके परिवार के साथ मिल करके हम लोग एक बृहद आंदोलन छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध करेंगे। लेकिन हम पुनः निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा सचिव जी से कि पदोन्नति को तत्काल रोक लगाया जाए। जो दोषपूर्ण पदोन्नति है सर, इसमें जो है अगर पदोन्नति दे रहे हैं तो पूरे कर्मचारियों को आप शिथिल अगर कर भी रहे हैं तो क्या सारे कर्मचारियों को शिथिलता करते हुए क्रमोन्नत वेतन मान दे, जब कोई इतनी जल्दबाजी ही तो इस तरीके से एक ही विभाग में अब पदोन्नति के नियम में भी अलग अलग दोषपूर्ण है तो दोषपूर्ण पदोन्नति न किया जाए और जब तक कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा इन्हीं मांगों को लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा और विभिन्न सामाजिक संगठन आज पूरे राजधानी में उपस्थित है और आपके माध्यम से हम पुनः छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करते हैं कि आज के डेट में पदोन्नति निरस्त किया जाए या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति पदों को रोक कर पदोन्नति किया जाए। मोहन बंजारे, प्रदेश अध्यक्ष, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज संघर्ष समिति, प्रिंसिपल, बेखाता प्रिंसिपल LV, मोहन बंजारे जी। जी मैं विजय कुर्रे, प्रदेश महासचिव, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज संघर्ष समिति। समाज के लोगों के द्वारा आज हमारे कर्मचारी साथियों का जो अधिकार छीना जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। सरकार ने जो संविधान का पालन करने के लिए सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन आज पर्यंत तक हमारे संविधान में जो कर्मचारियों को SC ST कर्मचारियों को जो अधिकार दिया गया है 16(4) का और 335 आर्टिकल, इसके पालन के लिए हम लोग अभी आज इस मांग को लेकर आए हुए हैं। समाज के ओर से आज समस्त संगठनों की ओर से हमारे मुखियागण आए हुए हैं और साथ ही साथ ये मांग कर रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में जो अधिकार हमको मिला गया है उसी को आपके जो कर्मचारी अधिकारीगण है वो कोर्ट में फंसा दिए हैं और दूसरे दरवाजे से, जो पिछले दरवाजे से ये भर्ती का नियम लाने हैं आनन फानन में, और महज 15 दिन में
यहाँ वरिष्ठता सूची जारी कर दी जा रही है और वरिष्ठता सूची में कई मृत व्यक्तियों का नाम है, कई ट्रांसफर व्यक्तियों का नाम है, कई रिटायरमेंट व्यक्तियों का नाम है। पता नहीं ये कौन सी साजिश की जा रही है। साथियों, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि SC ST के पक्ष में पिंगुआ कमेटी का निर्णय आया हुआ है जो 15 फरवरी के बाद लागू हो जाएगा, लेकिन मनुवादी जो व्यक्ति हैं वो सरकार में उच्च पद में बैठे हैं, वो अपनी मानसिकता को पूरा करने के लिए SC ST को बाहर कर दिए हैं और उनके बगैर ये जो 40,000 पद है वर्तमान में शिक्षा विभाग में, उसको भर्ती करने का ये साजिश किया जा रहा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को आवेदन देंगे और इसके माध्यम से अगर पूरा नहीं हुआ तो आने वाले दिन में हर चौक चौराहे में रायपुर में बैठेंगे और उसको बंद करेंगे और सरकार को ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास संख्या है, हमारे पास वोट है, अगर आज हमारे गोठ नहीं सुनोगे तो आने वाले दिन में हम आपको चैलेंज करते हैं, सत्ता से बाहर करने का हमारा प्रयास रहेगा। मैं विजय कुरे, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतामी समाज, प्रदेश महासचिव।